प्यारे बच्चों कैसे हो ठीक है हाँ तमाम को आदाब हमारी ई क्लास में आप तमाम का ख़ुशामदीद आप तमाम को वेलकम करते हैं हम आज हम चारुम जमात के इल्म रियाजी में नमूने और तशाकुल हिस्सा दुम पढ़ने जा रहे हैं सीखने जा रहे हैं इससे पहले आप हिस्सा जान चुके हैं मैं जो पेश कर रहा हूँ मेरा नाम है मोहम्मद ख़ुर्शीद अहमद सदर मुद्रस चिट्टा सरकारी उर्दू हैर प्राइमरी स्कूल प्यारे बच्चों ग़ौर से समात फरमाइए और देखते जाइए सबक बहुत दिलचस्प है आपने कभी आईना देखा है हाँ बताइए जी हाँ देखा है इसमें क्या देखा है जो चीज जैसी है वैसे ही नजर आती है हाँ आईना अक्स की तरह तशाकुल तस्वीर बनाना उस बारे में आप इससे ख़बल सबक में सीख चुके हैं आईने के अक्ष जैसा कि फूल का बनाना हाँ जैसा आईने में सात बज रहे हैं तो पाँच इस तरह के चीज़ें आप सबक में सीख चुके हैं इसमें आज के हम नमूने जात के बारे में कुछ जानकारी देंगे देना चाहते हैं आदाद में हम देखेंगे कै में देखेंगे हम में प्यारे बच्चों ये पढ़िए आप एक दो तीन चार पाँच ये कैसा है आप पढ़िए पाँच चार तीन दो एक हाँ ठीक है ये एक जैसे दिख रहे नमूनों के तौर पर हाँ ऊपर के वाले भी नीचे वाले भी हाँ फिर देखिए एक ग्यारह इक्कीस इकतीस इकतालीस इक्यावन ये क्या है दस दस के फर्क से आदाद हैं आदाद बोलिए या हिंसे बोलिए हाँ अब देखिए जमा करेंगे सब के लिहाज से जैसा मैं देखना चाहता हूँ आप में कौन होशियार है गिनती पढ़िए एक जमा दो जमा तीन जमा उसका जवाब क्या आएगा छः आ जाएगा आया ना आप करें ना कितना आसान जमा है ना हाँ फिर देखिए अददों को हम बाजू में ले जैसा तीन लास्ट में तो या तीन पहले ले लें मुक़ाम कैसा तीन जमा एक जमा दो मसावी है छः फिर तीन जमा दो जमा एक मसावी है छः ठीक है तो देखिए हर जगह मुकाम में जमा में आदात बदल रहे हैं लेकिन जवाब एक ही आ रहा है हिंसे जब बदल जाते हैं तो जवाब बदल जाता है हिंसा एक है की तब्दीली है तो भी एक हो और आदात वही होंगे अगर आगे पीछे लिखे जाएं तो वही जो आप आ सकता है लेकिन तफरीक में आदात आगे पीछे लिखने पर जवाब में फर्क आता है ये याददाश्त की बातें हैं बच्चों जरब में आदात की जगह बदलने पर वही जवाब आएगा मिसाल मिसालें हैं हमारे पास दो जरब तीन छ तीन जरब दो हाँ रेहान आप बताओ छ वेरी गुड तीन जरब दो ज़रब चार मसावी कितने होंगे चौबीस हाँ अब देखिए मुख्य चार जरब तीन जरब दो उसका भी क्या होगा जवाब चौबीस यहाँ पर देखे तो आदात वही है थोड़ा आगे पीछे हुए हैं तब मगर जवाब में क्या आ रहा बच्चों चौबीस उधर ऊपर छः दो मिसालें हम आपके सामने रखे ऐसे कई मिसालें आप ढूंढ सकते हैं आदाब आदात जो है ना हमारे हिंसे बोलिए आदात को तरतीबार पढ़िए और लिखिए आपके सामने आएगा स्लाइड पर देखिए मिसालें हाँ बोलिए पढ़िए उसको दो चार छ आठ दस हाँ शाबाश ये पढ़े हाँ अच्छे हैं आप गिनती अच्छी आ जाती है माशाल्लाह अब उसके दूसरा पढ़िए तीन छः नौ बारह पंद्रह वेरी गुड पाँच दस पंद्रह बीस पच्चीस हाँ शाबाश आप पढ़े तोफ़ीक हाँ इधर देखो बेटे इधर देखो जगह हाँ देखिए दस बीस तीस चालीस पचास ये भी बहुत अच्छा पढ़े आप माशा देखिए हाँ तो गौर करने की बात है ऊपर वाली मिसाल को देखें तो दो दो के फ़र्क से है और ये तमाम जुफ्त आदाद हैं दो का पहाड़ा है दो पंजे दस तक समझ लीजिए दूसरी मिसाल को देखें तीन छः नौ बारह तीन का पहाड़ा है तीन पंजे पंद्रह तक तीन तीन का डिफरेंस है पाँच पाँच का पहाड़ा है पच्चीस तक ऐसा और बढ़ा सकते हैं हम लेकिन एक तुम तो आपको मिसाल देकर एक बात बताना चाह रहे हैं पाँच दस पंद्रह बीस पच्चीस है ना पाँच पाँच के फ़र्क से है ये दस दस के फ़र्क से है दिख रहा है माशाल्लाह? तो हम देखेंगे इसके हिसाब से मश्क में दर्ज झैल आदात नमूना मुकम्मल कीजिए वो जो है अब करें ना हम कौन सा कौन सा कितना कितना फ़र्क है ना उसके हिसाब से आप गौर से पढ़ेंगे और इन सवाल के जवाब देंगे देखिए पढ़ो आप पढ़ो रहमान हाँ पढ़िए सात सत्रह हाँ सत्ताईस सैतीस हाँ वेरी गुड सैतालीस सत्तावन सत्तावन अरे गलत नहीं साइसठ बोलो हाँ फिर आप आप पढ़ो हाँ बीस चालीस साठ अस्सी ये दस दस के फर्क से है नहीं दस का फर्क से हाँ देखिए इसका बीस चालीस साठ अस्सी अस्सी के बाद बीस में बढ़ाए हो रहे सौ सौ के बाद बीस बढ़त कितने एक सौ बीस वेरी गुड आपको पढ़ना अच्छा आता माशाल्लाह हाँ उसके बाद एक सौ चालीस इस तरह से हम देखें तो ये इसकी दर्जाबंदी करें तो दस दस के फ़र्क से आ रहा है फिर और एक है सौ दो सौ तीन सौ चार सौ उसका फ़र्क करें तो देखिए हाँ पाँच सौ छः सौ हाँ सात सौ गौर कर रहे हैं आप हाँ गौर करते हुए देखिए प्यारे बच्चों हाँ हाँ इसमें कितने का फ़र्क है सौ सौ का फ़र्क है देखिए हाँ ये गौर करिए अच्छे तो आपको और ऐसी कई मिसालें मिलेंगी आपकी किताब में नमूना यानि एक जैसे आदात की मेकदार वगैरह एक जैसे आदत रहना जैसा बोलते ना मिलते जुलते मिलते जुलते जैसा बोलते हैं ना उस तरीक़े से देखिए यहाँ पर भी हम एक और मिसाल लिए हैं जो किताब की मशक़ से है बीच में एक अदद है बड़ा दस यानी जवाबी अदद है अब इसमें वो चारों तरफ चार एक आदात है है ना हाँ तो उसमें आदात में देखिए तीनों का निशान लगाते हम देख रहे हैं कोई आदत को पढ़ रहे हैं हम हुँ? दस में देखिए पाँच में पाँच जमा करें तो भी दस जवाब आता है हमारा सात में अगर कोई बच्चा तीन जमा कर रहे हैं तो दस ही आता है अगर देखें आठ में दो जमा कर रहे हैं तो भी दस आता है यानी दो दो आदतों की छः में चार जमा कर रहे हैं दस आता है यानी दस कई मजमे से आता है दस का जवाब तो हम आदाद वहाँ चेंज हो रहे हैं लेकिन एक ही जवाब आ रहा है हाँ देखिए ये जमा में हम आदाद लेने में हम हाँ टेक्निक है वो आ, अब देखिए आगे आइए बहुत दिलचस्प नौ जो मैजिक चीज़ है नौ का पहाड़ा तैयार करने का एक उम्दा तरीका उम्दा तरीका हाँ देखिए इकाई दहाई दो लाइन ले को ले लेंगे हम दहाई के लाइन में हम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ लिखे हैं और कर रहे हैं आप फिर इधर लिख रहे हैं उल्टा नौ आठ सात इकाई में छः पाँच चार तीन दो एक सिफर इधर ये दहाई में कुछ लिखे इधर इकाई में लिखे लिखे ना तो देखिए कैसा सिर्फ ऐसा लिख के हम दोस्तों में बोल सकते हैं देखो नौ का पहाड़ा बन गया नौ एक नौ दुनिया अठारह नौ तिहास सत्ताईस नौ चौक छत्तीस नौ पंचायत पैंतालीस नौ छ के चौपन नौ, नौ सत्य तिरसठ नौ अठे बहत्तर नौ नौ म्यास रियाजी का रियाजी होगा और खेल का खेल होगा ऐसे खेल के बहुत सारे मिसालें आपके सामने आएंगे आप खुशी खुशी से इस सबक में हिस्सा लीजिए प्यारे बच्चों एक पहाड़ा याद हो तो उसकी मदद से हम कई पहाड़े बना सकते हैं समझो दस का पहाड़ा याद है तो ग्यारह का बना सकते हैं अब को ग्यारह का पहाड़ा याद है तो ग्यारह का पहाड़ा पक्का याद है ग्यारह कन ग्यारह ग्यारह बाईस ग्यारह तेतीस तो हम उसमें एक दो तीन जमा कर दे तो बारह का पहाड़ा बसानी बनता है यानी मुश्किल नहीं जाती हमको छोटे बच्चों को ऐसे टेक्निक से इस्तेमाल करते हुए सिखाए तो ग्यारह में एक जमा करे बारह बाईस ग्यारह दुगनी बाईस बाईस में दो जमा करे चौबीस फिर उसका देखिए आप तैंतीस में तीन जमा करें छत्तीस चौवालीस ग्यारह कर ग्यारह ग्यारह 22 बाईस ग्यारह तैंतीस ग्यारह चौवालीस ग्यारह पंजे पचपन देखो प्यारे बच्चों इधर देखो इधर हाँ उसमें एक दो तीन हाँ अब देखो ग्यारह पंजे पचपन होता है यहाँ बारह पंजे साठ इधर बारह का पहाड़ा बन रहा है एक तरफ आप देखिए गौर कीजिए हाँ इधर आ देखो 66 में 6 जमा करें बहत्तर हो गया अठासी में आठ जमा करे यानी जमा के तरीके से भी हम पहाड़े बना सकते हैं जरब से भी बना सकते हैं तो जमा जैसा कि आप जानते हैं जमा की आसान सूरत जरब है जरब में हमारा वक्त बसता है हम आसानी से हम बड़े बड़े सवाल हल कर सकते हैं देखो ग्यारह दह दे एक सौ दस तो उसमें दस जमा करें तो एक सौ बीस अब देख लीजिए बारह का पहाड़ा बारह 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 चौबीस बारह छत्तीस बारह सौ अड़तालीस गौर कर लीजिए आप बारह पच्चीस साठ बारह सौ के बहत्तर हाँ आपको पहाड़ अच्छा याद हो जाता है हाँ अब अब बारह का बन गया उसके उसमें एक दो दो तीन चार जमा करो तेरह का बनता है फिर तेरह का पहाड़ आ गया चौदह का बन सकता है समझ रहे हैं अब ये तफरीक में ये भी जानिए आप जैसा कि पहले एक मिसाल आ चुकी है आपके सामने हाँ दस की अभी अट्ठारह की देखिए अट्ठारह दरमियान में हमारा ये जो तरफ से सब चीजें जो बता रहे हैं उनका मरकज क्या है अट्ठारह देखिए गौर कीजिए आप तेवीस में से पांच गए तो भी 18 जवाब आ रहा है हमको. हा? और देखिए दूसरा देखिए तमाम जवाब पर गौर, गौर करिए मैं बता रहा हूं तो हाँ ठीक है गौर कर लिए आप प्यारे बच्चों हाँ और बाईस में चार निकाल दिए तो कितने आ गया अठारह वेरी गुड उन्नीस में एक निकाले तो कितना हो गया हाँ हाँ अट्ठारह बीस में से दो निकाले तो अट्ठारह इसको समझ में आया यानी बोलने का मतलब है यहाँ पर आधा से हम एक चमककार के खेल खेल रहे हैं यहाँ पर ताख आप सुने होंगे ताख आदा हाँ जुफ्त पढ़े हैं ना चौथी जमात में अब बोल दो नहीं तो फिर आ सीखेंगे एक तीन पाँच सात नौ ये आदात है ये बुनियादी आदात है ये दस के अंदर आने वाले दहाई से पहले आने वाले हाँ इकाई मुकाम के आदात हैं एक तीन पाँच सात नौ अब गौर कीजिए बड़े आदात को हम पढ़ना है अब जैसा नौ है तो हम बोलेंगे नौ ताख़ है। पाँच ताख़ है बोलेंगे लेकिन हमको कोई और अदद पढ़ना है जैसा कि पंद्रह तो हम पहले इकाई के मुकाम वाले अदद को देखेंगे जो बड़े आदात आ जाते हैं हम इकाई के मुकाम पर एक तीन पाँच सात नौ होंगे तो कहलाएंगे चाहे बड़ा से बड़ा आदत हो समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों दो ता को जमा करने पर एक जुफ्त आदात आता है एक एक टेक्निकल पॉइंट है देखिए कोसा भी आप ले लीजिए पंद्रह में एक सौ सात जमा कर दीजिए उसका जवाब जुफ्त रहेगा बात समझ में आई हाँ जुफ्त आदात आएंगे तो जुफ्त आदात का देखिए एक मिसाल ले लेंगे सीपर दो चार छ आठ लेकिन जुफ्त आदात को जमा करने पर जवाब जुफ्त ही आता है ना कि ताख इस जुफ्त अदत के दोनों जुफ्त रहे तो बराबर जुफ्त जवाब आता है ताख़ नहीं आता प्यारे बच्चों एक ताख एक जुफ्त अदद पर ताख अदद होता है एक जुफ्त ले लेके जमा करें हम एक ताख ले लें तो जवाब में हमारा ताखा आता है और हम देखेंगे मिसाल से बड़े से बड़ा अदद मालूम करना है तो इकाई का हिस्सा देख लेंगे इकाई में आदाद अगर जुफ्त हैं आठ हैं या छः हैं चार हैं दो हैं सिफ़र हैं ये आदत अगर इकाई के जब मुकाम पर हैं तो बराबर वो आदत कितना भी बड़ा रहो कितने हज़ार कितने भी रहो दो सौ दो सौ अट्ठारह रहो हाँ नौ हज़ार एक सौ बारह रहो ये जुफ्ती आदत रहेगा प्यारे बच्चों ये एक जहन में बिठाना है आपको आज के दिन हाँ हाँ समझ रहे हैं आप हाँ शाबाश हाँ मिसाल है देखिए चार जमा पाँच मसावी नौ अगर तकसीम में आदत के मुक़ाम बदलने से जवाब में भी तब्दीली आती है जैसे तकसीम में देखिए एक मिसाल अब दो चीजें दस और दो जैसे जरब में थे मगर जवाब एक आ रहा था यहां पर कैसा हो रहा है दस तकसीम दो पांच जवाब आ रहा है वैसे ही दो को इधर लाके हम दस से तकसीम करेंगे तो और छोटा हो जाता है सिफर शेर पांच आ रहा है फिर पंद्रह तकसीम तीन ले लिए तो पांच आ रहा है फिर और एक लिए तीन तकसीम पंद्रह लिए तो सिफर शेर दो आ रहा है समझ में आ रही है बात को हाँ बोलो बच्चो हाँ शाबाश तो ये चीज़ें समझ मैं अभी एक कहानी आपके सामने पेश करूँगा हाँ गौर से सुनिए हाँ अच्छी प्यारी कहानी है कहानी हाँ कहानी वाले तो कितना खुश हो रहे हैं देखो आप हाँ वेरी गुड हम कहानी सुनाते हैं एक सबक से आमोश जैसा कि आप जानते हैं मुतशकुल अशकाल में आईने का भी बहुत ज़्यादा पार्ट है हम एक कौन सी कहानी सुना रहे हैं हाँ आयना कैसा दरियाफ़्त हुआ आईने की दरियाफ़्त की एक कहानी है ग़ौर से सुनना हाँ हा? आवाज़ नहीं करना हाँ ग़ौर से सुनने तो मज़ा आता कहानी का आइए हम एक कहानी बना रहे हैं आईने की दरियाफ़ आना आज हम देख रहे हैं सब जगह आने बने हैं नज़र आते हैं हम देखते हैं लेकिन एक दौर ऐसा भी था पुराने ज़माने में कदीम ज़माने में कि आयना क्या चीज़ है लोगों को नहीं मालूम था उस दौर की एक कहानी है सुनिए एक किसान था वो रोज़ाना अपने खेत को जाता था और घर आता था घर में भी बी बच्चों के साथ रहता था, था और खेत को जाता था इसी तरह से रोज़ाना का मामूल था उसका एक मरतबा जा रहा था रिमझिम बारिश हो रही थी उसका पैर अचानक एक जगह पड़ा तो वो क्या देखता है कि चमक की एक चीज़ है वहाँ वो हाथ में ले लेता है देख के हाथ में चमक की जो चीज़ है उसको देखकर पानी में ले जाकर साफ करता है गंदी रहती ना उसको धो देता है धो कर जब देखता है आँखों से तो उसको अपनी शक्ल आ नजर आ रही है लेकिन उन्होंने आईना नहीं देखे थे ना आज तक अपनी अपनी शक्लें नहीं देखे थे तो उन्होंने क्या कर दिया फौरी अपने अब्बा की जैसा समझा हमारे अब्बा की शक्ल है भी मेरे को ऐसा मिली फ़ोटो मिली या अच्छा आना है बल्कि उन्हें ले जाके अच्छा एहतराम के साथ कपड़ों में लपट के करके हाँ संदोख में रखा उसका रोज़ाना का मामूल था संदोख खोलता सुबह उठते ही उसमें से वो लपेटे के निकाल कर वो आईने को निकालता चूमता और उसका अहतराम करता और करके सीधा रख देता था फिर रोज़ाना ऐसे निकालना सुबह के वक्त में करना रखना उसकी बीवी को शक हो गया कि क्या कर रहे हैं कि मेरे शोहर मुझे बताने वाले हर चीज़ अब नहीं बता रहे क्या बात है इतना अहतनाम ठीक है बीवी क्या करती है शोहर के खेत जाने के बाद वो संदोक़ का फल लॉक तोड़ कर क्या करती है देखती है खोलती है खोल को देखे तो क्या है जब उन्हें आईना हाथ में लेती है तो उसको अपनी शक्ल नज़र आती है उसको अपनी शक्ल नज़र आती है अब उसको गलत फहमी हो जाती है कि मेरे शोहर मेरी औरत के सिवा दूसरी एक औरत रखें उसकी छोटू दिख रही है वहाँ पर उसके बजाय दूसरों की कोई औरत से उन्होंने रिश्ता जोड़े हैं क्या कर रहे हैं पता नहीं इसलिए आने दो अब बताता हूँ बल्कि आती के साथ ही न खेत से जब भी आते हैं लड़ाई शुरू हो जाती है इतना लड़ाई झगड़ा करते 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 दोनों नहीं समझते तो दोनों क्या करते हैं मालूम एक करीब में एक मंदिर रहती है मंदिर में एक ऋषि बाबा रहते हैं हैं साधु रहते हैं उनके पास जाते हैं जाकर अर्श करता पहले आदमी बोलता है देखिए मेरे को एक चीज़ मिली थी वो फोटो में देखा तो मेरे वाले साहब की थी मैं ऐते उसको इसमें रख रहा था संदोख में रोज़ाना देखता था ऐसे ग़लत फहमी हो गई ये फ़ोटो निकाल कर उन्होंने बोले कि ये मेरी है कोई मेरी शौकन है कौन है ऐसा बता रहे हैं मेरे से हमेशा लड़ाई कर रहे हैं ये क्या बात है देखिए इसमें महाराज बोलते हैं वो लाइए वो चीज़ महाराज साधु महाराज होते हैं ला देखते हो उनको एक बड़े साधु की दिखती है वो उनकी फोटो रहती है लेकिन उनको बड़े साधु की दिखती है दोनों तो क्या करते हैं वो देख कर क्या खुश होते हैं अरे ये ना तुम्हारी फोटो है तुम्हारे वाले साहब की ना तुम्हारे कोई औरत की है शौकन की है बल्कि ये बड़े ऋषि महाराज की फ़ोटो है इसको तो मंदिर में रखना चाहिए इसको तो एहतरामा मंदिर में रखना चाहिए ताकि लोग रोज़ाना दर्शन कर सके प्यारे बच्चों कहानी पसंद आई आपको ऐसा गलत फैमिया भी हो जाते हैं तो यह कहानी का मकसद यह था कि पहले और अब के दौर में बहुत फर्क है हम क्या कर रहे हैं हर चीज को जान रहे हैं हा? तो जिसकी वजह से गलतियां भी हमारे दरमियान कम हो रही हैं तो आईने की दरियाफ़ की कहानी अच्छी थी प्यारे बच्चों हाँ ठीक है अब हम आईने से कहानी से क्या आएंगे थोड़ा सा सबक में दरमियान में कहानी ले ना ताकि आप में जोश खरोश बाकी रहे अशकाल की जाने पाएंगे अशकाल के जबजो देंगे हाँ देखिए ये कौन सी चार जिले वाली शक्ल वाह वाह शाबाश आप बताओ इसको क्या कहते हैं आप बोलो आप बोला मुस्ततील हाँ क्या बोलते बोल रहे तो नहीं मुस्ततील हाँ देखिए मुस्ततील है एक शक्ल इसके जैसे हम कई शक्ल मुस्ततील एक मुस्ततील के अंदर भी बना सकते हैं एक डिज़ाइन देखता और गौर करें तो एक मुरबा बाजू का ये मुरबे में कई मुरबे और बना सकते हैं जिससे खूबसूरती बढ़ती है तो मुतकाल से ये नमूने से क्या बढ़ती है हमारी खूबसूरती बढ़ती है हाँ अश्काल जैसा कि एक पत्ता हम ले लिये उसके पत्तों का एक शक्ल डालें तो आप देखो एक बेड में कई वैसे हुए नज़र आते हैं तो मुतक़लशकाल अब इसी के नमूने नमूने जैसा आदाद में हम शक्ल में ले लिए एक जैसी एक लाइन लिख के उसी को बार बार रिपीट करते गए तो वो नमूने बन जाते हैं तो यहाँ पर यह बतलाना मकसद है कि ना सिर्फ आदाद में मुतशुल अशकाल में नमूने बनते हैं बल्कि हमारे और दीगर अशकाल में भी बनते हैं जैसा कि मुस्ती में बनाएं मुरबे में बनाएं आप समझ रहे देखिए कैसे उसके अंदर बनाते हुए कर रहे हैं आप कर रहे हैं और एक मिसाल ले लेंगे हम लेंगे हाँ हाँ बेटे हाँ इधर खामोश खामोश बैठ जाओ आप अच्छा देखो बेटे हाँ मज़े की कहानी बोले नहीं हम आप हाँ ठीक है आइए ये क्या है एक दायरानी बल्कि एक अंडा अंडे के जैसी एक शक्ल है उसके अंदर कई शक्लें वैसे सीम उतार सकते हैं अगड़ पगड़ उतारे तो अलग बात है जब तरतीबार अच्छे तसलसल के साथ उतारते हैं तो इस तरह से शक्लें भी अच्छी दिखती हैं और देखिए इसमें कई बाहर से भी और बड़े बड़े दायरे बना सकते हैं कई अंदर से बना सकते हैं और एक मिसाल ले लेंगे तीन जिले वाली शक्ल क्या कहते हैं तीन जिले वाले को हाँ हाँ बोलो बोलो हाँ शाबाश वेरी गुड मुसल्लेस ये मुसल्लेस की तीन जिले वाली शक्ल को देखिए आप गौर कीजिए हम उस पर कई मुसल्लेस अंदर भी बना सकते हैं कई बाहर भी बना सकते और याद रखो मैं एक सोच रहा हूँ बच्चों को इतने अच्छे पहाड़ याद आना जैसा एक बटन दबाते लाइट आ गई उसी तरह बटन दबाते लाइट आ गए इसी तरह से हमको पहाड़ याद रहना करेंगे कैसा अब देखिए बात हामिद हाँ इधर देखो बेटे हाँ अब चारतिया चारिया बारह शाबाश जल्दी बोलती हाँ तीन चौक बारह हाँ ये कैसा मालूम करें आप हाँ बताइए तो चार रुपये हैं तीन लोगों में बांटना था तो बारह आ गए ये ये देखिए तीन रुपये थे चार लोगों में बांटे वो भी बारह आ रहे तो बोलेंगे मतलब क्या आंसर क्या हो रहा है हमारा बारह बारह ही आ रहा है अब देखिए और एक मिसाल ले लीजिए आप दो पंजे दस और पहाड़े भी वैसे याद कर रहे हैं हम पाँच दोगुनी दस पहाड़े नहीं अगर हम पहाड़े नहीं सीखेंगे ना इलम रियाजी में बहुत मुश्किल है बच्चों इलम रियाजी में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हमको पहाड़े कैसे आना बिल्कुल पानी की जैसे पहाड़े याद आना बस बच्चे बीस बीस तक तीस तीस तक पहाड़े याद करते हैं बस ज़रा नहीं इस्तेमाल करते हैं हाँ अब एक जादुई खेल बोलिए एक मैं एक चीज़ सिखाने जा रहा हूँ नमूने जात में हम सीखेंगे मैं आपको जवाब आप क्या भी सोचे तो आप मैं उसको किस तरीके से पहचान तो ये दिमागी ही जहनी है आप जहन इधर उधर मत करिए बाहर अब यहाँ पर लाइए मैं उसके तल्ल से बताता हूँ एक अदद सोचिए आप हाँ हाँ उसमें देखिए आप एक अदद सोचिए नहीं सोच लीजिए सोचे नहीं हाँ सोचे कुछ भी सोच लीजिए मैं पाँच बता रहा हूँ कुछ भी सोच सकते हैं आप वो अदद में दो जमा कीजिए मेरे मेरे जमा कीजिए हाँ करें हाँ उसके बाद जो जवाब आता है जो जवाब आता है हाँ उसको क्या कीजिए दो से ज़रब दीजिए दे रहे हैं अपनी कॉपी में करके दीजिए अमल अच्छा रहता है हाँ तो उसका जो जवाब आया क्या आया दो से ज़रब देने के बाद क्या आ रहा जवाब चौदह आ गया आप मेरे को जवाब बोले आपका आदत मेरे को नहीं मालूम मैं किस ढंग से उसको मालूम करता हूँ इसका अमल जैसा जमा ज़रब जवाब आप जब जवाब बोले मैं कैसा जाता हूँ उसके मुखालिफ यानी तकसीम तफरीकिया मत से जाता हूं जिससे मेरे को वो आदत आपका जो सोचे हैं वो मैं मालूम कर सक कोई जादू नहीं है सिर्फ जहन और टेक्निक का कमाल है जैसा देखिए चौदह आ गया जवाब अब चौदह को मैं दो बोला था नहीं दो से करना तीन बोला तो तीन से करना जो अदद बोला वो अदद से कर देना दो जहन में रख लेना हाँ चौदह को मैं दो से तकसीम करना तो जवाब क्या आया मेरे पास सात आया मैं दो जमा करूँ बोला था तो मैं सात में से क्या करना देखो क्या करना जी सात में से दो तफरीक कर देना तो आप जो जवाब आ रहा है पांच मैं बोलना आपसे क्या आप पाँच सोचे थे हा हा मोसाब पा सब तालियां बजाइए हाँ कैसा एक जवाब इस तरीके से कुछ खेल खेल कर जमात में हम इम रियाजी को फरोह दे सकते हैं और अपना जहन अच्छा बना सकते हैं प्यारे बच्चों तो आपको मालूम होगा कि इम रियाजी बहुत दिलचस्प मजमून है लेकिन बाज़ लोग डरते हैं डरना नहीं चाहिए आप बहुत देखो इसमें दिल में दिलचस्पी हो गई तो दिल में रियाजी पढ़ेंगे बोलेंगे आप हाँ अब आइए एक और एक दो मिसाल बताते हुए मैं आपको बतलाता हूँ दस एक टेक्निकल बच्चे से बच्चों का और आदात की अच्छी शिनाख्त हो जाती है इसमें हाँ और उसको जमा की और तफरी बहुत सारे मिसालें देते दे हुए दे उसके अंदर आगे पीछे करने से उसके मालूम में पुख्ता ही आती है प्यारे बच्चों एक जमाना का हासिल है जमा क्या होगा दस होगा वैसे ही एक बच्चा पर है दो जमा आठ उसका भी हासिल है जमा दस होगा तीन जमा सात एक बच्चा पर उसका भी हासिल है जमा दस चार जमा छह पर है उसका भी हासिल है जमा पाँच जमा, जमा पाँच पर है उसका भी हासिल है जमा छह जमा चार पर है उसका भी हासिल जमा क्या होगा बोलिए आप हाँ दस ही होगा तो हम हर चीज़ को देखिए गौर कीजिए दस हो रहा ना सात जमा तीन क्या होगा बोलो आप बोलो दस आठ जमा वह दो वहां दो जमा आता है या आठ जमा दो देखिए एक ही उसमें जवाब में आया सारा रहा नौ जमा एक वहाँ एक जमा ना था उसका आंसर कितना आ रहा है जवाब कितना है हाँ दस आ रहा है तो मजमुई तौर तो पर जो अदद हाँ एक अददीच है वो कौन सा दस हम दस के लिए कई नमूने से देखें नमूने देखे नमूना बोलते ना हाँ कोई चीज का नयापन नया नमूने को नयापन को बोलते हैं ना सोचिए अब देखिए और एक मिसाल अच्छी खासी मिसाल है सोचिए कुछ भी हिंसा सोच लीजिए आप देखिए ये भी एक दिलचस्पी का बास बनेगी इन सोचिए हाँ आप जितने सोच रहे हैं आठ सोचें तो अपने दोस्त के भी उत्ते आठ सोचो आप दस सोच रहे हैं तो दोस्त के भी उत्ते सोचो अब अब जैसा कि हाँ एक सोच रहे हैं मिसाल है आप गौर कीजिए दोस्त के भी उत्ते सोच रहे हैं तो उसका जो हासिले जमा हुआ जो टोटल हुआ समझिए दस हो गया उसके बाद मेरे भी दस जमा कीजिए अच्छा मेरे जो जमा करना है दस भी कर सकते हैं चौदह कर सकते हैं सोलह देखिए कैसा टेक्निक है मेरे जमा करें तो दस जमा करें तो कितना हो गया बीस हो गया कैसा सवाल आ रहा है पांच आपके सोचिए पांच आपके दोस्त के सोचिए दस हो गए दस में मेरे दस जमा कीजिए बीस हो गए हाँ, बीस में क्या करिए आधे फकीर को दे दीजिए आधे फकीर को दे दीजिए दस दे दिए फकीर को देने के बाद आपका जो जवाब आएगा दस आएगा वो जवाब जो, जो है आने से अब दोस्त के लिए थे ना दोस्त के दोस्त को दे दीजिए हाँ वो नहीं देना दोस्त का दोस्त को देना ईमानदारी से पाँच तो आप सोचे थे पाँच कोई भी हिंसा से ऐसा एक क्या करते हैं जादुई खेल करके आप अपनी जगह बता सकते हैं प्यारे बच्चों आज का सबक अच्छा रहा हाँ हम आज के सबक से यही सिखाना चाहते हैं कि जरफ़ में जमा में आदात बदलने पर भी जवाब एक ही आता है तकसीम और तफरीक में आदात का मकाम बदलने पर आदात में फ़र्क आ जाता है जवाब में भी फ़र्क़ आ जाता है एक चीज़ है दूसरी चीज़ ये है कि नमूने जात में हम कई अच्छी एक एक कहानी सुने और कई अच्छी मिसालें सुने अब हम घर का काम दे रहे हैं आपको कई का काम दे रहे हैं घर का काम दे रहे हैं देखिए सवाल इन सवालत को हल कीजिए क्या कर रहे हैं हम इन सवाल कीजिए हाँ आमिर आप बताओ पहला सवाल क्या है बेटे दो, जर... दो सौ पांच दो, जर... दो सौ चार है बेटे दो सौ चार उसका क्या आता है इसको पूरे सवाल आप लिख लीजिए अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में कापी में लिख लेकर अपने घर में जाकर इसको हल कीजिए फिर दूसरा आ रहा है दूसरा सवाल रहा है। हाँ हाँ रेशमा तुम बतलाओ दूसरा 270 सौ सत्तर हाँ पढ़ने अच्छा आ रहा आपको 270 उसको किससे जराब दे रहे हैं सी पर से वो क्या जवाब आता है कल बताए या होशियार हैं कल पूरे सवालात करिए हाँ नकल मत कीजिए एक दूसरे का मत देखिए बताइए नहीं कोशिश कीजिए समझने की कोशिश कीजिए रियाजी समझने का मजमून है हाँ तीसरा है पाँच क्या है वो पाँच सौ अट्ठाईस जरा अब एक कितने आसान सवाल है उसको क्या जवाब आता है आप लिखकर लाइए फिर चौथा सवाल है एक हज़ार दो एक हज़ार दो ये हज़ार के मुकाम कहाँ हाँ आप चौथी में कर सकते हैं एक हज़ार दो को दो से जरब दीजिए ये कल का होमवर्क है घर का काम है करेंगे प्यारे बच्चों तो आपने खामोश बैठकर आज का सबक अच्छी तरह से नमूने जात के बारे में सीखा उम्मीद है कि आपको ये सबक़ याद आया होगा आप ऐसे कई मिसालें अपने दोस्तों पर रखकर इस सबक में जो हिस्सा लिए हैं मैं तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए अपना इस सबक को ख़त्म करता हूँ फिर एक मरतबा मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद अहमद है हेड मास्टर गोरमेंट एच पी एस उर्दू चिट्टा त्ल्का डिस्ट्रिक्ट बीदर है मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ हाँ अल्लाफ़ अनुक्षणायल् कलियोना कलिकयः सहादि